हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का जो वीडियो है वो भी अमेजन से होने वाला है एंड बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल एंड ब्यूटीफुल कलेक्शन होने वाला है। सारा जो है ना, मैंने फेस्टिवल को ध्यान में रखते हुए इसमें आउटफिट्स ऐड किए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और प्लीज़, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आया होता तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो कि है रंगीता ब्रांड से एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ये अनारकली कुर्ती है। इसकी मैंने बहुत सारी कुर्तीज आपके साथ शेयर की थी एंड गाइज, वो मैं बहुत जल्दी रीसेल में लाने वाली हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो ये है अगेन पीच कलर में एंड इसका वर्क इतना फाइन है ना, ये एक्चुअली मैंने लार्ज साइज में वेयर कर रखा है। मुझे लूज है क्योंकि अनारकली कुर्ती मुझे मीडियम साइज में आ जाती है, तो आप देख सकते हो जो साइज है मेरा उससे काफ़ी ज़्यादा लूज मुझे आ रहा है। इसके योक एरिया पर जो है वो इस तरीके से जरी एम्ब्रॉयडरी वर्क है एंड थ्रेड एम्ब्रॉयडरी वर्क है एंड सीक्वेंस का वर्क है। इतना फिनिशिंग के साथ काम है ना एंड गोटे की डिटेलिंग भी है एंड पूरा इस तरीके से अगर आप बेली पर आप देखेंगे तो इस तरीके से गैदरिंग है एंड यहाँ पर ये जो आप लेस देख रहे हो ना, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सी लेस, 3/4 स्लीव है एंड स्लीव पर भी कुछ इस तरीके से जितना भी गोल्ड पार्ट आप ये देख रहे हैं ना, ये सब जरी वर्क है। मतलब बिल्कुल भी चुभने वाला नहीं है क्योंकि अंदर जो है वो लाइनिंग लगा रखी है, ठीक है। यहाँ पर गोटे की डिटेलिंग है, बाकी ऑल ओवर इस पर ना जो जितना भी गोल्ड पार्ट आप ये देख रहे हैं ना, ये देखो साइड में अलग डिज़ाइन है एंड सेंटर में अलग है, इधर अलग है, ये सब जरी वर्क है, प्रिंट नहीं है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ एंड बॉटम में ना कुछ इस तरीके से यही गोटे की डिटेलिंग है एंड ये फ्लेयर में है, मतलब 1.5 मीटर तक का इसका फ्लेयर है। इसमें आप ये देख सकते हो काफ़ी अच्छे फैब्रिक में इसमें आपको लाइनिंग प्रोवाइडेड है एंड जरी वर्क जो है ना वो ये है, मतलब चुभेगा नहीं क्योंकि लाइनिंग है इसमें। तो हाईली रिकमेंड करूँगी गाइज, आप इसमें ना अपना ट्रू साइज ही बाय करें। दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड ऑफ लिबास एंड ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी कुर्ती है। अगेन ये भी मैंने लार्ज साइज में लिया है, इसमें भी अपना आप ट्रू साइज लेना एंड ये कलर बहुत ज़्यादा प्रिटी है। ये ना मस्टर्ड, गोल्डन मस्टर्ड कलर है जो बहुत प्रिटी लगता है। ये देखो इसका वर्क देखो, इस तरीके से ना इतनी फाइन जरी एम्ब्रॉयडरी वर्क हो रखा है, सीक्वेंस का वर्क है एंड ऑल ओवर ना इस पर इस तरीके की बूटियाँ बनी हुई है। मतलब इतना प्रीमियम लगता है ना ये कुर्ता पहनने के बाद ना, कहीं आप देख रहे हो बॉटम तक है एंड इस फैब्रिक में ना एक अलग ही शाइन है, ठीक है। बैक से कुछ आपको मिलेगा इस तरीके से, ठीक है, एंड स्लीव आपको मिलेगी फुल। ये देखो इसमें आपको लाइनिंग प्रोवाइडेड नहीं है बट आपको शर्ट में दिया हुआ है, यहाँ पर सेम यही वर्क हो रखा है जो आपका पूरे शर्ट में है। बैक से आपको प्लेन मिलता है, लाइनिंग भी आपको बहुत ही प्रीमियम फैब्रिक में, ये देखो बिल्कुल नीचे तक लाइनिंग दे रखी है। इसके साथ ब्रांड गो सिल्की की एंड ये कलर बहुत प्रिटी लगता है, फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा प्रिटी लगते हैं इस तरीके के कलर्स एंड बहुत अफोर्डेबल है ये। ये आप देख सकते हो इस तरीके से जो है कॉटन ब्लेंड फैब्रिक में है एंड योक एरिया पर देखो इस तरीके से ना जरी वर्क है, सीक्वेंस का वर्क है एंड ये ना मतलब चुभ नहीं रहा बिल्कुल भी। जैसे वर्क देख के लग रहा होगा ना कि यार ये चुभेगा, बिल्कुल भी नहीं चुभ रहा है। इसमें मैंने अपने लिए लार्ज साइज वेयर किया है एंड 3/4 स्लीव है, स्लीव पर यहाँ पर इस तरीके से गोटे की डिटेलिंग दे रखी है, ठीक है। एंड इस तरीके से पूरा लहरिया वाला जो है ना इन्होंने प्रिंट दे रखा है, बैक से भी सेम ऐसा ही है। सॉलिड कलर में, पर्पल कलर में आपको मिल जाती है ट्राउजर पैंट, दोनों साइड इलास्टिकेटेड बैंड है एंड सी इसकी लेंथ फिट बिल्कुल परफेक्ट आई है गाइस। राइट हैंड साइड में पॉकेट भी है एंड दुपट्टा जो है ना वो चंदेरी कॉटन है एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये देखो इसमें लहरिया भी डिज़ाइन है, प्रिंट है और बांधनी बंदेज भी प्रिंट है एंड दुपट्टे की विड्थ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। ये देखो इसमें ना इस तरीके से गोटे की डिटेलिंग है, शैम्पेन गोल्ड कलर में, इस तरीके से गोल्डन कलर से स्ट्राइक भी आ रही है। गाइस ये बहुत सुंदर लगता है, हाईली रिकमेंड भी। कलर बहुत प्रिटी है, मिंट ग्रीन कलर है एकदम, यू नो अभी फेस्टिवल टाइम है, जैसे ह्यूमिड है थोड़ा सा, तो इस तरीके के कलर्स बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब लगते हैं, क्लासी से लगते हैं। तो इसमें एक्चुअली मैंने ना मीडियम साइज मंगवा लिया इसका, आई डोंट नो मुझे मीडियम क्यों थोड़ा बर्स्ट एरिया से टाइट आया है, अदरवाइज ऑल ओवर ठीक लगा मुझे, बट इसका थोड़ा सा मुझे बर्स्ट एरिया टाइट लगा। एनीवेज ये बहुत सुंदर कुर्ती है, अगेन रंगीता ब्रांड से है, मैंड्रिन कॉलर है एंड जितना भी आप ये पार्ट आप देख रहे हैं ना गोल्ड वाला, ये आपका है गोल्डन फॉइल प्रिंट, ठीक है। एंड इसमें ना सेम कलर में, मतलब थोड़ा सा डार्क कलर में ना
सीक्वेंस का वर्क भी हो रखा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो अलग प्रिंट है, यहाँ अलग प्रिंट है, डिजाइनर कुर्ता है ये, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर साइड में अलग प्रिंट है, यहाँ अलग प्रिंट है, एंड सेंटर में बॉटम तक अलग है, देन यहाँ पर अलग है, यहाँ पर मतलब एक तरह से पूरी डिजाइनर कुर्ती है। एंड साइड में ना इस तरीके की कुर्तीज मैंने बहुत सारी आपके साथ शेयर कर रखी है, साइड में ना ऐसे डोरी दे रखी है, एक तो फ्रंट से इस तरीके से आ रही है, कहाँ गई इस तरीके से दे रखी है, एंड एक यहाँ पर है बैक में, मैं आपको दिखा देती हूँ, मतलब बैक में साइड में नहीं आ रही, बिल्कुल सेंटर में आ रही है, यहाँ से और यहाँ तक। मैं ट्राई ऑन में ना दिखाती है, एक्चुअली मैं जब इसको फोल्ड कर रही थी ना तब मुझे पता चला कि अच्छा ये बैक से आ रही है। इतना है इसका फैब्रिक जो है ना वो कॉटन सिल्क है, एक अलग शाइन है, ये देखो अलग शाइन है इस फैब्रिक में। इन इंडोरा ब्रांड से गाइज, दिस इज माई फेवरेट कुर्ता प्लाजो सेट, बहुत अच्छा कलर है, इसको बोलते हैं हॉट पिंक कलर, बहुत सुंदर है गाइज। अगर ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया होगा ना तो इसका मैं दूसरा जो वी नेक में ना उसका लिंक दे दूंगी, अगर होगा तो इसका भी दे दूंगी, वो भी मेरा बहुत मन है, बट ये दोनों ना एक जैसे से लग रहे हैं इसलिए मैं वो वाला सोच रही हूँ, आप बताना कमेंट्स में मंगवाऊँ या नहीं मंगवाऊँ। ऐसे जरी एम्ब्रॉयडरी वर्क है, एंड ये वाले फ्लावर्स आप देख रहे हो पिंक कलर से एम्ब्रॉयडरी इन्होंने कर रखी है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सुपर्ब लग रहा है। इसमें मैंने अपना ट्रू साइज मंगवाया है, मीडियम साइज, ठीक है, एंड 3/4 स्लीव है, स्लीव पर भी सेम यही जरी एम्ब्रॉयडरी वर्क है, ठीक है, आप अपना ट्रू साइज लीजिएगा, वो भी बहुत बढ़िया, मतलब ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ नेक का फर्क है, ठीक है, इसमें स्वीट हार्ट है, उसमें वी नेक है, वी नेक की भी बहुत अच्छी फिटिंग आती है, ठीक है। तो इसका प्लाजो आप देखो कितनी अच्छा, मतलब इसका फ्लेयर है, सेमी इलास्टिकेटेड बैंड है, सी फ्लेयर आप देख रहे हो, एक लेग का इतना फ्लेयर है, एंड सेम यही वर्क है जो आपका स्लीव पर था और आपका योग एरिया पर था। इस साथ जो है ना वो ऑर्गेन्जा में दुपट्टा आया है, बहुत ही ज्यादा बिग वाला दुपट्टा, ये देखो, मतलब सी मतलब जितनी साड़ी की विड्थ होती है ना उससे भी ज्यादा विड्थ में ये दुपट्टा है, एंड ये ना पीची पिंक कलर में है, बाकी ट्रायल में आपको क्लियर हो रहा होगा, ये देखो चारों तरफ ना इसके चारों ही तरफ आपको मिलेगी ये वाली वर्क वाली लेस जो आपका सूट पर हो रखा है, प्लाजो पर हो रखा है। गाइस इतना ज्यादा प्रिटी लग रहा है ना कि मस्ट है, फेस्टिवल में बहुत सही लगता है, इनफैक्ट आप इसे करवा चौथ में भी, करवा चौथ के लिए भी बाय कर सकते हो, डेली वेयर, यू नो कॉलेज वगैरह जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो उसके लिए मैंने एक ऐड किया है, ऑफ वाइट कलर में, बहुत प्रिटी एंड बहुत अफोर्डेबल है, 450 है, वो सिल्क की ब्रांड से है, इस तरीके से इसमें नेक मिलेगा एंड ये प्रिंट मिलेगा, इसके पूरा ट्री बना रखा है और एक बहुत प्रिटी सी बर्ड बनाई हुई है ऑरेंज कलर में, ये देखिए प्यारी बर्ड है ना, है ना, ये लिप्स बनी हुई है, पीपल बैठी हुई है, बहुत प्रिटी सी ऐसे प्रिंट है, प्यारा लग रहा है, मतलब प्रॉपर इस तरीके से फॉरेस्ट प्रिंट दे रखा है, एंड यहाँ पर दे रखा है आपको प्लेन सॉलिड कलर, स्लीव भी आपको सॉलिड कलर में मिलेगी, इसमें मैंने अपने लिए लार्ज साइज दिया हुआ है आई थिंक, एंड बहुत ज़्यादा विड्थ नहीं है, बहुत नैरो भी नहीं है, दोनों साइड इलास्टिकेटेड बैंड है, ये देखो इतना तो नॉर्मली होता है ना, पैंट तो बहुत ज़्यादा थोड़ी सी नैरो हो जाती है, एंड इसमें पॉकेट भी प्रोवाइडेड है, हाईली रिकमेंड वही करूंगी, ये भी लास्ट कुर्ता सेट है ना गाइस, ये बहुत प्रिटी लग रहा है, ये ब्रांड है OSIC, प्रिंट बहुत प्यारा है, कलर बहुत प्यारा है, ये बहुत अच्छा है, कॉटन ब्रांड फैब्रिक में है, ठीक है, नेक पर आप देखो इस तरीके से ना मरून कलर में पाइपिंग दे रखी है, एंड आगे दे रखे हैं इस तरीके से बटन्स, एंड ये ना नेवी ब्लू कलर पर्पल कलर का जो मिक्स होता है ना वो है, ऑल ओवर आपको प्रिंट मिलेगा, एंड साइड स्लिट पर इस तरीके से अलग से ना इन्होंने फैब्रिक लगा रखा है, अच्छा लग रहा है बहुत, है ना, एंड 3/4 स्लीव है, स्लीव पर भी यहाँ पर इन्होंने अलग फैब्रिक दे रखा है, ऑल ओवर प्रिंट आपको ऐसे ही मिलेगा, इसमें मैंने जो साइज पिक किया है वो लार्ज है, एंड अगर इसकी बॉटम की मैं बात करूँ तो इसमें है प्लाजो कम पैंट, दोनों साइड इलास्टिकेटेड पैंट है, इसका प्रिंट अलग है गाइस, प्रिंट देखो कितना प्यारा लग रहा है, डेली वेयर के लिए भी आप इसको पिक कर सकते हो, आप इसे यू नो ऑफिस जाते हो तो पिक कर सकते हो, ये देखो इसमें यहाँ पर भी सेम वही स्लीव वाला ही प्रिंट लगा रखा है, फैब्रिक लगा रखा है, अच्छा लग रहा था, कंफर्टेबल बहुत लग रहा था, दुपट्टा भी बहुत सुंदर है इसका, प्रिंट में है जो शर्ट और प्लाजो का था, एंड बिल्कुल सॉफ्ट मलमल जो फैब्रिक होता है ना उस फैब्रिक में दुपट्टा है, ये देखो गाइस फुल लेंथ विड्थ में, ये ओ माय गॉड कितना प्यारा, ये वाला जो कलर एकदम खिलकर आया ना ब्लू के साथ, जो ऑरेंजिश सा कलर है ना, अच्छा लग रहा है गाइस,
हाईली रिकमेंड करूंगी, पिक कर लो। सो गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, चलिए बाय, टेक केयर, बाय।